हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड आ गए हैं और एक नए वीडियो के साथ वापस। एंड गाइज, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लाइटरूम ऐप की मदद से कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग और इस टाइप की कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इजी ट्रिक्स है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक देख लेते हो तो आप भी ऐसा फोटो एडिटिंग करना सीख जाओगे। तो अगर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो हमारी फ़ोटो है अभी गैलरी में, तो हम गैलरी से डायरेक्ट शेयर कर लेते हैं हम लाइटरूम ऐप के अंदर। तो ये रही लाइटरूम ऐप, इसमें हम इसको हम शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो ओके गाइस, तो यहाँ पर जो हमारी फ़ोटो है लाइटरूम ऐप के अंदर ओपन हो गई है। तो गाइस, सबसे पहले इसके हम कलर को एडजस्ट करेंगे। ओके, तो कलर को एडजस्ट करने के लिए कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर मिक्स कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर येलो कलर पे क्लिक करेंगे और इसके सैचुरेशन को पूरा फुल माइनस कर लेंगे। फिर ग्रीन कलर पे आएंगे और इसके भी सैचुरेशन को पूरा फुल माइनस। फिर एक्वा कलर पे आएंगे और इसके भी सैचुरेशन को पूरा फुल माइनस कर लेंगे और साथ ही साथ डोमिनेंस को भी माइनस कर लेंगे 60-15 के अराउंड। फिर उसके बाद ब्लू कलर पे क्लिक करेंगे और इसके भी सैचुरेशन को -100 कर लेंगे, ठीक है। और इतना ऑप्शन कर लेने के बाद फिर इस सेकेंड नंबर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये ऑरेंज कलर पे। ये जो कलर है हमारा फेस का कलर होता है, तो फेस को गोरा करने के लिए लुमिनेंस को हम बढ़ा लेंगे। तो लुमिनेंस को हम बढ़ाकर 57 के अराउंड कर लेते हैं, ठीक है, 56 के अराउंड। और सेचुरेशन को -2 के अराउंड कर लेंगे। तो गाइस, इतना ऑप्शन करने के बाद अभी ये देखो बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। अभी हमारी जो फोटो है थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। तो इतना करने के बाद फिर डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। और डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब हम फोटो में लाइट्स को एडजस्ट करेंगे। तो लाइट्स को एडजस्ट करने के लिए लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कर्व वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वाइट डॉट पे सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ से गाइस 3 डॉट बनाना है, 3 लाइन, 1 डॉट 2 डॉट और ये 3 डॉट, ठीक है। तो 3 डॉट बना लेने के बाद ये वाला डॉट है इसको कुछ इस टाइप से ऊपर करना है और ये जो है इसको थोड़ा सा नीचे करना है और ये जो हाईलाइट है इसको भी थोड़ा सा नीचे कर लेना है और ये जो सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, ठीक है। और इतना ऑप्शन कर लेने के बाद फिर डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है गाइस। और डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से इसके हाईलाइट्स को थोड़ा सा बढ़ा लेना है करीब 10 के अराउंड और वाइट्स जो है वाइट्स को थोड़ा सा कम कर लेना है करीब -16 के अराउंड। और शेडो को गाइस कम कर लेंगे, तो शेडो को कम करके -11 के अराउंड कर लेंगे और कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे करीब 2 के अराउंड। ओके, तो इतना ऑप्शन कर लेने के बाद फिर से कलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसके टेम्परेचर के वैल्यू को माइनस कर लेंगे -2 और वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम लोग 15 के अराउंड। और उसके बाद कलर ग्रेडिंग वाला ऑप्शन पे आएंगे और शेडो में आएंगे और इसके सैचुरेशन को थोड़ी सी बढ़ाएंगे और जो ह्यू है ह्यू को हम ग्रीन टोन पे लाके छोड़ेंगे, ठीक है, 122 के अराउंड। फिर से मिड टोन्स पे जाएंगे और सैचुरेशन को 6 के अराउंड बढ़ाएंगे और जो ह्यू है ह्यू को ग्रीन कलर पे लाकर छोड़ देंगे, ठीक है। और जो लुमिनेंस है लुमिनेंस को माइनस करेंगे ताकि फोटो थोड़ा डार्क टाइप में हो, -15 और फिर डन। तो इतना ऑप्शन कर लेने के बाद फिर इफेक्ट वाला ऑप्शन पे आएंगे और सबसे पहले फ़ोटो में विंगनेट को माइनस कर लेंगे ताकि फ़ोटो दिखने में और मस्त लगे। तो विंगनेट को -21 कर लेंगे और क्लैरिटी को थोड़ी सी बढ़ा लेंगे फ़ोटो में 16 के अराउंड। एंड गाइस, इतना ऑप्शन कर लेने के बाद फिर ट्रायंगल वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नॉइज रिडक्शन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर जो हमारी फ़ोटो है आप लोग देख सकते हो, ये देखो बिफोर एंड आफ्टर पूरी अच्छी तरह से एडिटिंग हो चुकी है। अब इसको सेव करने के लिए गैलरी में शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव टू डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो फोटो है गैलरी में सेव हो जाएगी। तो आई होप गाइस कि आपको ये एडिटिंग पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एडिटिंग अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमको वीडियो बनाने में और मन लगे और आसानी से हम वीडियो बनाएं। बहुत दिनों से गाइस हम अपडेट नहीं थे, ठीक है, वीडियो भी नहीं आ रही थी, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएगी। ओके, तो मिलते हैं ऐसे कई नए वीडियो के साथ।